नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से जुपिटर चैनल पे। आज हम आपको राष्ट्रपति और उसकी शक्तियां तथा कार्य के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है और इसके पास भी असीमित शक्तियां होती हैं। बस फर्क इतना होता है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का उपयोग स्वयं नहीं कर सकता, उसको अपने शक्तियों के उपयोग करने के लिए प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद पर निर्भर रहना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि राष्ट्रपति क्या है और राष्ट्रपति की जरूरत क्यों है। राष्ट्रपति की शक्तियों से शुरू करेंगे बात को। तो आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान में औपचारिक रूप से राष्ट्रपति को जो शक्तियां दी गई हैं उसको कहा जाता है कार्यपालिका शक्तियां। ठीक है, राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसको कहा जाता है कार्यपालिका शक्तियां। ठीक है ना, दिन प्रतिदिन होने वाले सभी कार्यों की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास होती है। परंतु शक्तियों का उपयोग केवल प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है। यहाँ पे बाउंडेशन है, यानी कि यहाँ पर मजबूरी है, मजबूरी नहीं कहेंगे, यहाँ पे ये कहेंगे कि 100% श्योर है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करेगा, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ के। अभी डिस्कस करेंगे कि वो विशेष परिस्थितियां क्या है। उनको देश का प्रथम नागरिक माना गया है और वह औपचारिक रूप से देश के अध्यक्ष भी होते हैं। देखिए, भारत में राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली के अंतर्गत नियुक्त होता है, ठीक है, जिसमें वह राष्ट्र के नाम मात्र के अध्यक्ष होते हैं और उनकी वास्तविक शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद करती है। ऐसा क्यों है दोस्तों कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद उनकी शक्तियों का इस्तेमाल करती है? ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो होती है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन के आई है। सांसद जो होते हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और वही सांसद मंत्री या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं या कैबिनेट मंत्री बनते हैं। ठीक है, तो जनता के द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से चुने जा रहे हैं उनको इसीलिए संविधान ने शक्ति ज्यादा दी है, क्योंकि जनता चुन के उनको भेज रही है। वहीं पर जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको जनता नहीं चुनती, जनता चुनती है तो देखिए करोड़ों लोगों का मत है उसमें, ठीक है ना, विचार है। लेकिन अगर राष्ट्रपति का जो चुनाव है उस जनता तो चुन नहीं रही, उन्हें तो वही 545 जो हमारे सांसद है वही चुन रहे हैं। तो 545 लोग चुनते हैं किसको? राष्ट्रपति को। सिर्फ 545 मत सोचिएगा, जो विधानसभा होती है, विधान परिषदें होती हैं राज्य की, वो भी वोट करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ लोग मिलकर जो है कि राष्ट्रपति चुनते हैं, 1500 मान लीजिए। वहीं पर जो है कि सांसद और प्रधानमंत्री को पूरे देश की जनता चुनती है, तो इसीलिए मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को पूरी शक्तियां दी गई हैं। ठीक है ना, अब सवाल ये उठता है कि भाई राष्ट्रपति की आवश्यकता क्यों है देश को? तो आप सभी जानते हैं कि कोई सरकार 5 साल पूरे करेगी, इस पे हमेशा संशय बना रहता है ना। तो कभी भी सरकार 5 साल या उससे पहले गिर सकती है, तो हमें एक ऐसे अध्यक्ष की जरूरत है, देश के अध्यक्ष की जरूरत है जो 5 वर्ष तक अपनी सत्ता संभाल के रखे, अपनी गद्दी पे बैठा रहे और देश को चला सके। ठीक है, आप सभी जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है, प्रधानमंत्री को प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि चुनते हैं और प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ना। कोई तो ऐसा होना चाहिए जो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को नियुक्त करे, तो वो राष्ट्रपति करता है। चुनाव के पश्चात राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है, ठीक है, ऐसे में सरकार 5 वर्ष या उससे पहले भी गिर सकती है ना, ऐसा होता रहता है। ऐसे समय में एक अस्थायी राष्ट्र प्रमुख की आवश्यकता होती है, इसीलिए राष्ट्रपति को हमें उनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो राष्ट्रपति के लिए समय पर सही निर्णय ले सके राष्ट्र के लिए और नए प्रधानमंत्री तथा उनकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कर सके, इन्हीं कारणों से हमें राष्ट्रपति की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य के क्या क्या लाभ हैं, आइए जरा डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें कि भाई राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखिए, राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो कम से कम, और उसके पास ऐसी योग्यताएं हो कि वो लोकसभा के चुनाव में खड़ा हो सके और उसमें चुनाव में जीत हासिल कर सके। जरूरी नहीं है जीत हासिल करे, लेकिन हाँ, चुनाव लड़ने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, वह किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, यानी किसी सरकारी नौकरी में ना हो। ठीक है, लाभ का कोई पद नहीं होना चाहिए, अगर है तो राष्ट्रपति बनने से पहले उनको उससे त्याग पत्र देना पड़ेगा, और वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ हो। ओके, तो ये योग्यताएं चाहिए हमें भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया बताई गई है संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 53 में।
ठीक है। संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक चुनाव प्रणाली से होता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली और एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली के द्वारा होता है। अगर दोस्तों आपको ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली के बारे में नहीं पता है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है, वहां पर वीडियो का लिंक दिया है पिछले चैप्टर का, जिसका नाम था चुनाव और प्रतिनिधित्व, तो उसमें आप देख लीजिएगा, आपको विस्तार से पता चल जाएगा। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता नहीं करती है, ये सभी जानते हैं, मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं पहले ही। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जिसमें राज्यों की विधानसभा के सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। देखिए कौन कौन है, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा। तो इन चार संस्थाओं के सदस्य मिलकर चुनते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के अधिकार की, कि राष्ट्रपति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। तो आप जानते हैं इनके ज्यादातर अधिकार तो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है ना, और उनको कुछ विशेष शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। यदि कोई सरकार गैर संवैधानिक, ये शब्द याद करिए, गैर संवैधानिक, यदि कोई सरकार संविधान के नियम के अनुसार नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति के पास उस समय बिल्कुल पूरी की पूरी पावर है कि वो उस सरकार को हटा सके, बर्खास्त कर सके। ठीक है, यदि कोई सरकार गैर संवैधानिक तरीके से काम कर रही हो तो राष्ट्रपति के पास ही अधिकार है कि वह उसे बर्खास्त कर दे। ठीक है, ये संविधान अधिकार देता है उनको। उसको देश में आपातकाल लगाने का अधिकार प्राप्त है, यानी राष्ट्रपति देश में आपातकाल लगाता है, और राष्ट्रपति को औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका की शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, यानी देश में जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन इसका इस्तेमाल वो नहीं करते हैं, उनकी कैबिनेट यानी कि प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद ही इस्तेमाल करता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कार्यपालिका के प्रमुख के पद के तौर पर राष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है। भाई ये भी तो सकता है कि राष्ट्रपति को भी हटाने की जरूरत पड़ जाए, तो कैसे हटाया जा सकता है, उसकी क्या क्या योग्यताएं, मतलब कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है कि हम उसको हटा सकते हैं, वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि संविधान के अनुसार उसको केवल एक ही प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, और उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ये महाभियोग। महाभियोग प्रक्रिया एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। ओके, ऐसा देखिए इसलिए किया गया है, महाभियोग प्रक्रिया इसलिए बनाई गई है ताकि राष्ट्रपति को कोई अस्थिर ना कर सके, कोई दबाव में ना ला सके। ठीक है, इसलिए उसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया रखी गई है ताकि उसे हटाना मुश्किल हो। ठीक है ना, तो महाभियोग की प्रक्रिया उन पर तब लागू होती है जब उसके खिलाफ क्या हो भाई, संविधान के उल्लंघन का दुर्व्यवहार का या अक्षमता साबित हो जाए, या तो संविधान का उल्लंघन साबित हो जाए, ठीक है, दुर्व्यवहार साबित हो या अक्षमता साबित हो, अगर इनमें से कोई भी मैटर होता है, मामला होता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया चालू की जा सकती है। ये नहीं कि उनको हटा देंगे तुरंत, ऐसा नहीं है, पूरी प्रक्रिया है। देखिए अब क्या प्रक्रिया है, प्रक्रिया क्या है कि भाई इसके अनुसार महाभियोग प्रारंभ करने के लिए, अब देखिए यहाँ पे ना कंडीशन है बेटा कि महाभियोग का प्रस्ताव शुरू करने के लिए महाभियोग लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य, ठीक है, लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए, तब जाके महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। ओके, इतना आसान नहीं कि महाभियोग की प्रक्रिया तुरंत चालू कर दो, ऐसा नहीं है। लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य हस्ताक्षर करके दें और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्य हस्ताक्षर करके देंगे, ठीक है, तभी ऐसा हो सकता है। और एक बात याद रखनी है कि प्रस्ताव दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। ठीक है, अगर दोनों सदनों में प्रस्ताव लाया गया है तो जिसमें बाद में लाया गया होगा उसमें वो प्रस्ताव रद्द हो जाएगा, और जिसमें पहले लाया गया होगा उसमें वो प्रस्ताव, ठीक है, शुरू हो जाएगा, उसमें कार्य किया जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कंडीशन, याद रखिए लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य के हस्ताक्षर चाहिए और राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अब मान लीजिए दोष साबित हो जाता है, 100 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए लोकसभा में, ठीक है, या फिर 50 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए राज्यसभा में और कार्यवाही शुरू हो गई, और दोष साबित भी हो गया तो क्या होगा, तो क्या हटा देंगे, इतना आसान नहीं है, मैंने बताया था पहले ही। अब क्या होगा, जब दोष साबित हो जाएगा तो राष्ट्रपति पर जांच में दोष साबित होने के पश्चात लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग होती है,
यानी कि लोकसभा में वोटिंग होगी और राज्यसभा में भी वोटिंग होगी, ठीक है। अब वोटिंग में दो तिहाई बहुमत प्राप्त होने चाहिए। यदि यह प्रस्ताव दो तिहाई बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है और इसी प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। देखिए क्या प्रक्रिया में क्या होगा, पहले 100 सदस्यों का हस्ताक्षर वाला पत्र चाहिए और कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना होगा कि आप महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि 100 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए, आपने 14 दिन का नोटिस भी दे दिया राष्ट्रपति को और उनपे दोष भी साबित हो गया, जांच शुरू हो जाएगी। जब ये 100 लोग हस्ताक्षर कर देंगे तो जांच की जाएगी, ठीक है, तब कानूनी मान्यता मिल जाएगी उनको। तो जांच के पश्चात मान लीजिए कि राष्ट्रपति दोषी हो गए, दोषी होने के पश्चात भी उनको हटाया नहीं जा सकता है, दोषी होने के पश्चात वोटिंग शुरू होगी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, और अगर दो तिहाई बहुमत से ये पास हो जाता है, ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति को उसके पद से उसको इस्तीफा देना पड़ेगा मजबूरन, अगर वो नहीं चाहे तब भी उनको हटना पड़ेगा, ठीक है। ये है पूरी प्रक्रिया महाभियोग की। तो आइए बात करते हैं कि कौन कौन सी कार्यपालिका शक्ति हमारे राष्ट्रपति जी के पास होती है। ओके, तो पहली बात कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है, यानी जरूरी नहीं है कि सलाह माननी ही पड़े या 100% नहीं मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है, मजबूर नहीं किया गया राष्ट्रपति जी को, समझ में आई बात। उसके पास निषेध अधिकार होता है जिसके द्वारा वो किसी सलाह पर निर्णय देने में देरी कर सकता है, ठीक है, निर्णय करने में क्या कर सकता है, देरी, उसी को निषेध अधिकार कहा जाता है, ठीक है। मना कर सकता है कि मैं अभी अपने विचार नहीं प्रकट करना चाहता हूं, इसे राष्ट्रपति की वीटो पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेतो पावर, ये थोड़ा गलत छप गया, सॉरी, वीटो पावर कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। किसी विधेयक को या किसी सलाह को वो अपने पास निर्णय में देरी कर सकता है या सलाह देने से मना कर सकता है, तो इसे ही कहा जाता है वीटो पावर, वीटो शक्ति है राष्ट्रपति की। ओके, उनके पास विधेयक को कानून बनाने की अंतिम स्वीकृति का अधिकार होता है। यदि राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेगा विधेयक पे, ठीक है ना, तो कानून नहीं बनता है। तो किसी भी विधेयक पर, ये गलती से समझ आते हैं, यहाँ भी गलती से छप गया विधेयक, किसी भी विधायक छप गया, विधेयक होना चाहिए, किसी भी विधेयक पर तब तक, विधेयक को तब तक कानून नहीं माना जा सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ना हो, ठीक है। अब क्या होता है कि राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, ये शक्ति उन्हीं के पास है कि वो न्योता दें, बुलाएं बहुमत दल के नेता को। यदि किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, जैसा कि 1989 के बाद हुआ है, गठबंधन सरकार बनने की संभावना हो, तो एक से अधिक दल बहुमत का दावा पेश करते हैं, तो राष्ट्रपति के पास स्वविवेक का अधिकार है कि वह किसको प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करें। ओके, यानी अगर किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसे में राष्ट्रपति को यह स्वविवेक, यानी यह अधिकार है कि वह अपनी इच्छा से ये निर्णय ले कि किसको सरकार बनाने के लिए न्योता दिया जा सकता है। ओके, और इस परिस्थिति में सच में जो है कि राष्ट्रपति की शक्ति काफी बढ़ जाती है, यानी कि वो बहुत शक्तिशाली महसूस होता है जब गठबंधन की सरकारें बनने की बात आती है। तो दोस्तों, ये तो था राष्ट्रपति और उनके बारे में, उनके शक्तियों के बारे में। अब आप एक काम जरूर करिएगा कि इसको दोबारा से देखिएगा ताकि आपको सब कुछ याद हो जाए, और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप न्यू यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए अब आज का सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सवाल पूछने से आप जो है कमेंट करके जवाब देंगे, और जब कमेंट करके जवाब देंगे तो आप हमसे जुड़ पाएंगे, ठीक है। तो ये जो सवाल है आज का, वो ये है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति होगी संविधान के किस भाग में बताया गया है। एक बार दोबारा से सवाल समझिए, सुनिए, राष्ट्रपति की नियुक्ति से संबंधित सूचना विवरण संविधान के किस भाग में दी गई है। अपना जवाब कमेंट जरूर कर दें ताकि हम आपको समझ पाएं कि आपने वीडियो को एंड तक देखा है। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।